लास्ट क्लास में एक कंट्रोलर पैरों का लगाया था, अब एक पेल्विस का भी लगा लेते हैं और नी का भी लगा लेते हैं। याद है कैसे बनाया था? ट्रांसफॉर्म ये हम बनाएंगे मास्टर के लिए, मास्टर कंट्रोलर जो सबको कंट्रोल करेगा। फ्रिज करना मत भूलना। फ्रिज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांसलेट तो जीरो है, रोटेशन भी जीरो है, स्केल वन नहीं है, वन हो गया। देन ये नेल्स के लिए, फिंगर्स के लिए और नेल्स के लिए बनाना होगा तो मैं सर्कल ले लेता हूं इसके लिए। ठीक है, ऐसे कर दो। फ्रिज नाम दे दो रूट। अब मैं एक बॉक्स ले रहा हूं, मुझे चाहिए क्यूब, क्यूब ताकि मैं पेल्विस की शेप बना सकूं। राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, और इसे कर दो फ्रिज। पेल्विस के लिए अब मैं चाहता हूं इसे घुमाने पे, रोटेट करने पे, पेल्विस घूमे। इस वाली बोन को पेल्विस का, पहले पेल्विस पकड़ना फिर ये बोन पकड़ना, आपके पास आता है पेरेंट कंस्ट्रेंट, पेरेंट या ओरियन। ठीक है, पेरेंट अगर करते हो, पेरेंट करके देखो तो आप देखो क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, रोटेट करवा सकते हो जैसे मर्जी। समझ आया? तो ये पेल्विस बन गया। अब मुझे पैरों में चाहिए आईके। आईके के लिए क्या करना, आईके मीन्स पैर फोल्ड हो जाए। तो यहां पे आता है स्केल्टन, स्केल्टन में आता है क्रिएट आईके हैंडल टूल। आईके की फुल फॉर्म है इनवर्स काइनेमेटिक्स। दो तरह के आईके होते हैं, सिंगल चेन, एक होता है रोटेट। अगर आपको टारगेट देना है तो रोटेट यूज करना। टारगेट मीन्स जैसे नी है, नी इधर उधर ले जाया जा सकता है, उसे बोलते हैं टारगेट। तो हम रोटेट प्लानर यूज करेंगे। सिंगल में क्या होता है, रोटेट नहीं करा सकते, तो रोटेट यूज करो। इसे बोलते हैं आरपी, इसे बोलते हैं एससी। दो तरह के आईके होते हैं, एससी और आरपी। आप यूज करो आरपी। अगर आप एल्बो और नी बना रहे हो तो आरपी यूज करना। तो कैसे यूज करोगे, थाई बोन पे क्लिक करोगे पहले, देन क्लिक करोगे एंकल बोन पे। तो देखोगे एक लोकेटर आ गया, इसे बोलते हैं लोकेटर। लोकेटर को ऊपर करने पे अब ये नी वाला काम कर रहा है, इसे बोलते हैं आईके। अब जो आईके बनाया आप इसको नाम दे सकते हो लेफ्ट,
underscore ankle IK. Then अब पेल्विस को देखते हैं नीचे करके, पैर फोल्ड हो जाना चाहिए, धरती को पार नहीं होना करना चाहिए प्लैनेट को, पर कर रहा है क्यों? क्योंकि जो आपने आई के लिया है ना उसके अंदर एक फैसिलिटी है जिसे हम बोलते हैं स्टिकी, जिसे हम बोलते हैं स्टिकी ऑफ है, ऑन कर दो। अब देखो, अब अगर आप पैर पेल्विस नीचे लाओगे ना तो पैर फोल्ड नहीं हो रहा, मतलब अपने प्लैनेट पे अपने फ्लोर पे अटक गया है, जैसे हमारा पैर जम जाता है, ग्रिप आ गई है उसकी, पहले ग्रिप नहीं थी। देन उसके बाद अब देखोगे नीचे करने पे तो थोड़ा ना फ्लोर को पार कर जाता है, पार कर रहा है, तो हमें क्या करना है, एक और आईके लगाना है। अब जो आईके लगाओगे वो एसटी लगाओगे, क्योंकि आप नी के लिए नहीं लगा रहे, अब आप बॉल के लिए और टॉ के लिए लगा रहे हो, एसटी लेना, स्टिकी की जरूरत नहीं है। पहले एंकल पे क्लिक, फिर बॉल पे क्लिक, फिर एक और बार आईके लेना, बॉल पे क्लिक, फिर टॉ पे क्लिक। अब आप देखोगे जब पैर बैठ रहा है, ओके, स्टिकी जरूर कर लेना, स्टिकी करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो पैर फ्लोर पे टिकेगा नहीं। देख पा रहे हो पैर अपनी जगह जम गया है, फ्रिक्शन आ गई है, ग्रिप आ गई है। तो इस ग्रिप के लिए आईके यूज किया जा रहा है ताकि पैर फोल्ड हो, पैर फोल्ड करने के लिए आईके यूज किया जा रहा है। अब मैं चाहता हूं यही वाले आईके रिपीट उसमें आ जाए, तो आप पूरे पैर को इकट्ठा मिरर करा सकते हो, पर हम ऑलरेडी मिरर करा चुके तो अब हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। तो आईके लो, स्टिकी ऑन करके रोटेट, क्योंकि इस पैर में हमें थाई से लेके एंकल तक चाहिए, फिर एससी एंकल से लेके बॉल तक, फिर एससी, अब बॉल से टॉ तक। अब दोनों पैरों में फ्रिक्शन आ गई है, दोनों पैर रुक गए जमीन पे। कोई डाउट? अब हमें हर आईके को नाम देना है। हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, जरूरी तो नहीं है, पर अपनी फैसिलिटी के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के स्किनिंग करोगे तो उसमें नेमिंग का बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी बोन पे किसका वेट डालना है, नेमिंग दैट्स वाई करते हैं। नेमिंग सबसे पहला रूल है रिगिंग का, जो प्राइमरी रूल कहते हैं जिसको। दूसरा रूल है ग्रिड पे होना चाहिए कैरेक्टर। तीसरा रूल, बॉन्स की रोटेशन जीरो होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब चार ग्रुप बनाने आपको, वी हैव टू मेक फोर ग्रुप्स। सबसे पहला ग्रुप बॉल आई के, बॉल ग्रुप, फिर टॉ ग्रुप, मास्टर टो ग्रुप और मास्टर एंकल ग्रुप, चार ग्रुप बनेंगे। ठीक है, चार। पहले ग्रुप बनाओगे आप, इन दोनों को सेलेक्ट करो, दोनों आईकेस को सेलेक्ट करो, देन प्रेस
कंट्रोल जी और फिर पिविट पॉइंट इस ग्रुप का डी और वी से यहां स्नैप कर दो, वी फॉर पॉइंट स्नैप और डी फॉर एडिट पिविट पॉइंट। अब देखोगे ये ग्रुप आपके पैर को रोटेट कर पा रहा है जो कि पहले नहीं कर रहा था। अगर खाली आईके को रोटेट करें ना तो देखो नहीं हो रहा, अप की प्रेस करके ग्रुप सेलेक्ट होगा तो अब देखो पैर रोटेट होगा। यह है पहला ग्रुप, इसको नाम दे दो बॉल, बॉल ग्रुप। ये आपके टो को बॉल के पिविट पॉइंट से रोटेट करा पा रहा है। फिर पीछे वाला कंट्रोल जी और इसका भी पिविट पॉइंट यहां रखना बॉल पे डी और वी से। अब देखोगे ये वाला काम हो पा रहा है, टो के ऊपर जो पैर उठते हैं इसे नाम दो एंकल ग्रुप। और यार अपना लेफ्ट राइट जरूर लगाना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा लेफ्ट का ग्रुप है कौन सा राइट का ग्रुप है। आउटलाइनर में जाओ, ये लेफ्ट ग्रुप है बॉल का, ये एंकल का, आपको यहां भी पता चल सकता है। ये दो ग्रुप बनाने के बाद अब तीसरा ग्रुप, ये जो दोनों ग्रुप बनाए हैं ना अब इसे एक नए ग्रुप में डाल दो जिसे बोलेंगे मास्टर कंट्रोल डी, उसका पिविट पॉइंट पीछे रखना। अब क्या होगा पूरा पैर रोटेट हो पा रहा है, हुआ नहीं ढंग से, कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल जी करना था, कंट्रोल जी डी और वी से पीछे स्नैप। समझ आया, इसे हम नाम देंगे मास्टर एंकल ग्रुप ग्रुप। और लेफ्ट है या राइट है ये भी लगाना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों इसके नए ग्रुप के अंदर है। अब नया ग्रुप एक और ग्रुप के अंदर होगा कंट्रोल जी, उसका पिविट पॉइंट आगे, ताकि ये चीज कर पाओ। देखो पैरों के अंदर चार चीज, सात से आठ चीजें होती, पहली चीज ये वाली, दूसरी चीज ये वाली, तीसरी चीज ये वाली, ये वाली, ये वाली, फिर ये वाली, क्योंकि आगे से होगा पिविट पॉइंट। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना और ग्रुप इस हिसाब से बनाने, चार ग्रुप बनाने मैंने आपको बता दिए। पिविट पॉइंट का जरूर ध्यान रखना, अब ऐसे ही यहां पे कंट्रोल जी दोबारा बता रहा हूं ध्यान रखना, इन दोनों को ग्रुप किया, पिविट पॉइंट यहां पे, फिर खाली इसको कंट्रोल जी किया, खाली एक ही आईके को एक ही ग्रुप में डाल दिया ताकि इसका पिविट पॉइंट सेट किया जा सके। दो ग्रुप नेमिंग साथ साथ कर ही दो, नेमिंग का बड़ा ध्यान रखना। फिर इन दोनों को कंट्रोल जी डी और वी से यहां स्नैप, फिर एक और बार कंट्रोल जी डी और वी से आगे स्नैप। अब दोनों में आपको चार चार ग्रुप मिल रहे हैं, इसमें भी एंड इसमें भी।
अब आपने जो ग्रुप बनाए हैं ना, इनके साथ बाइंड करने हैं, ये बॉल टो और एंकल इनके साथ। मैं चाहता हूं बॉल रोटेशन को आगे पीछे करें, तो ये वाली चीज काम करे, ये वाली। तो कैसे बाइंड करेंगे? गो टू एनिमेशन, की पैनल, ड्रैगन की से हम बाइंड करेंगे इसको, ड्रैगन की से। देखो हमारा जो ड्राइवर है वो ये फुट कंट्रोलर का बॉल रोटेशन है, और जो हमारे ड्राइवर है वो इस आईके का ग्रुप है। तो आईके सेलेक्ट किया, प्रेस अप की, ग्रुप सेलेक्ट हो गया, लॉर्ड ड्राइवर। अब देखो कौन सा एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस जीरो पे जीरो है, की कर दो, पहली स्टेटमेंट आ गई। फिर दूसरी स्टेटमेंट, अगर इसको 45 करें तो इसका ग्रुप भी 45 हो, की कर दो। अब देखोगे ये बाइंड हो गया, एनी डाउट्स? अब दूसरा हमें बाइंड करना है टो रोटेशन, तो इन दोनों आईके का ग्रुप चाहिए, तो मैंने एक आईके सेलेक्ट किया, प्रेस अप की, एक्स एक्सिस। तो अगेन गो टू की, ड्राइवन की सेट, जो ड्राइवन है इसका ग्रुप है, एंड जो ड्राइवर है वो ये वाला कंट्रोलर है, और इसका टो रोटेशन जीरो पे जीरो। अभी वैल्यू इसकी जीरो है, देख रहे हो, अभी इसकी टो रोटेशन जीरो है और इसकी एक्स रोटेशन भी जीरो है। तो दोनों स्टेटमेंट पहले ही बनी हुई मिल रही है, की कर दो। अब दूसरी स्टेटमेंट बनाओ कि इसको -45 करें, तो ये -45 हो, की कर दो। फिर इसको 45 करें तो ये 45 हो, की कर दो। अब देखो दो कंट्रोलर्स आपके चल रहे होंगे, एक तो टो रोटेशन और एक बॉल रोटेशन, दोनों इकट्ठे भी चला सकते हो। देखो दोनों इकट्ठे चला दी मैंने, टो रोटेशन भी, बॉल रोटेशन भी। तो आपके दो तो बन गए कंट्रोलर्स, अब बाकी बचे छह और। अब है एंकल रोटेशन, एंकल रोटेशन को हमें इससे बाइंड कराना है। इसको बोलते हैं एंकल रोटेशन, इसको बोलते हैं एंकल रोल, और इसको बोलते हैं एंकल टिल्ट। तो बाइंड अप कराओ। अब एंकल रोटेशन और इसका एक्स एक्सिस, जीरो पे जीरो, 45 पे 45, की, फिर -45 पे -45, की, ये भी बाइंड हो गया। हमें इसका थोड़ा ना नाम चेंज करना पड़ेगा,
अब आगे बाइंड करते हैं, हमने एंकल रोटेशन तक कर दिया, अब एक्सिस चेंज करेंगे हम, एंकल टिल्ट और एक्सिस देखो कौन सा है इसका, जेड है, जीरो पे जीरो की इसको 45 करें तो ये 45 हो, बहुत इजी प्रोसेस है ना ये, क्यों धीरज? और -45 पे 45 की, ये भी हो गया। अब तीसरा एंकल रोल, अब इसका वाई एक्सिस 0 पे 0 की, अगर इसको करें हम 45 तो ये हो 45 की, इसे करें -45 तो ये हो जाए -45 की, ये भी हो गया। अब ऐसे ही हम करेंगे ये टॉ वाला, ये लास्ट कर देते हैं फिर इतना ही बहुत है। अब इसका रोटेशन नेक्स्ट, और इसका आप अब जो तीन बचे हैं ना, मिडिल रोटेशन टॉ टिल्ट, इनसे सेम वैसे ही बाइंड होगा जैसे एंकल वाला किया था, 0 पे 0 की, 0 पे 0 कर दिया था, देखते -45 पे -45 की, जीरो पे जीरो वही -45 प्लस 45। अब ऐसे ही टोटल रोटेशन जेड, 0 पे 0 हो गया, इसको 45 किया तो ये 45 हो गया की, फिर इसको -45 किया तो ये -45 हो गया की। अब ऐसे एंकल टॉ रोल वाई एक्सिस से 0 पे 0 इसको -45 करें तो ये -45 हो कि, इसको 45 करें तो ये 45 हो कि। अब ये सारे बाइंड हो गए, सारे के सारे बाइंड हो गए अपने अपने कंडीशन से, सबको इकट्ठा चलाओगे ना तो देखो क्या हो रहा है। अब इकट्ठा भी चला सकते हो, अलग अलग भी चला सकते हो, तो ऐसे आपको लेग रिक करनी है। तो आज इतना करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्पाइन रिक करेंगे।